हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के सेक्शन 140 कैपिटल ए के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेल्फ असेसमेंट के बारे में डील करता है। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी पर्सन इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न फाइल कर रहा है, तो जो भी उसने इनकम टैक्स के रिटर्न में डिक्लेयर की है, उसके ऊपर उस पर्सन को अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको खुद ही सेल्फ असेस करना होगा और उसकी पेमेंट करनी होगी बिफोर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, यानी कि पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फीस बिफोर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। यानी कि उस टैक्स पेयर को जो भी उसकी लाइबिलिटी है, टैक्स की हो, इंटरेस्ट की हो या फिर लेट फीस की हो, वो उसको सेल्फ असेस करनी है बिफोर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और उसकी पेमेंट करनी है, और पेमेंट के प्रूफ है वो रिटर्न के साथ अटैच करने होंगे। सो वी हैव टू रीड दिस, वेयर एनी टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन 139 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड, यानी कि जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है और जो इनकम टैक्स में जो आपकी लाइबिलिटी, इनकम टैक्स के रिटर्न में जो आपने इनकम फर्निश किया उसके बेसिस पे जो लाइबिलिटी आ रही है उसको सेट अप करने के बाद, या फिर जो TDS या TCS आपका कटा हुआ है उसको सेट अप करने के बाद जो भी आपकी लाइबिलिटी बन रही है अंडर द हेड टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फीस, तो आप उसको पेमेंट करेंगे और उसका प्रूफ इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ अटैच करेंगे, और उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। द असेसी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विद द इंटरेस्ट एंड फीस पेबल अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फॉर एनी डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न और डिफॉल्ट और डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न। द रिटर्न शैल बी अकंपनीड बाय द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस। यानी कि अगर किसी भी टैक्स पेयर का अगर रिटर्न फाइल करने में कोई डिफ़ॉल्ट होता है, ड्यू डेट के बाद कोई रिटर्न फाइल करता है, तो वो इंटरेस्ट के साथ उस रिटर्न को फाइल करेगा, और अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती थी वो एडवांस टैक्स पे नहीं कर पाया है, तो इंटरेस्ट के साथ उस एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा और जो सेल्फ असेस्ड जो भी लायबिलिटी होगी उसको रिटर्न में डिक्लेयर करके जो भी पेमेंट के प्रूफ होंगे उनको अटैच करेगा, यानी कि चालान नंबर, BSR कोड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेड बाय द SSC, यानी कि कोई भी अमाउंट जो SSC ने सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी के लिए पे किया है और वो फॉल शॉर्ट कर जाता है जो भी उसकी लायबिलिटी थी अंडर द हेड टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फीस, तो सबसे पहले किस ऑर्डर में वो जो भी लायबिलिटीज हैं वो डिस्चार्ज होंगी। तो वेयर द अमाउंट पेड बाय द SSC अंडर सेक्शन 140 कैपिटल ए सब सेक्शन वन फॉल शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस एज अफोरसेड, यानी कि तीनों हेड में जो लायबिलिटी बन रही थी और जो अमाउंट पे है वो अगर शॉर्टफॉल होता है, यानी कि आपकी जो तीनों हेड में लायबिलिटी बन रही थी 10,000 रुपये, लेकिन आपने जो पेमेंट की है टैक्स, जो इन टोटलिटी आपने पेमेंट की है 5,000 रुपये की, तो किस किस हेड में वो आपकी सेटल होगी। द अमाउंट सो पेड शैल बी फर्स्ट बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द फीस पेबल एंड देर आफ्टर टुवर्ड्स द इंटरेस्ट एंड द बैलेंस इफ एनी एडजस्टेड टुवर्ड्स द टैक्स पेबल, यानी कि जो भी आपकी 5,000 की जो आपने पेमेंट की है टुवर्ड्स द सेल्फ लाइबिलिटी, तो सबसे पहले आपकी लेट फीस के लिए एडजस्ट होगी, फिर इंटरेस्ट के लिए, और बाद में जो भी कोई बैलेंस बचेगा तो आपका जो भी टैक्स की लाइबिलिटी है उसके लिए एडजस्ट होगी। सो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 कैपिटल ए, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 234A होगी, यानी कि आप मान लीजिए आपकी सेल्फ एसेस जो लाइबिलिटी बन रही है वो 10,000 रुपये है, लेकिन आपने एडवांस टैक्स 5,000 जमा करवाया है और आपका TDS जो कटा हुआ है वो 3,000 कटा हुआ है, तो आपकी जो 2,000 की जो लाइबिलिटी आएगी सेल्फ एसेस उस पर आपको 1% इंटरेस्ट फॉर द मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। और नेक्स्ट जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, यानी कि जो एडवांस टैक्स आपने जो जितना डिपॉजिट होना जिस डेट को डिपॉजिट होना चाहिए था उस डेट को आप एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं कर पाए, यानी कि जो क्वार्टर एंड पे डिपॉजिट होता है 15%, 45%, 75% और 100%, तो उस जो ड्यू डेट दी गई थी इनकम टैक्स के अंडर उस ड्यू डेट को आप जो जितना अमाउंट रिक्वायर्ड था वो डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो आपको 1% फॉर द मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलर टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और फी, यानी कि जो आपने सेल्फ असेस जो टैक्स की कैलकुलेशन की थी उसमें इंटरेस्ट फी, लेट फीस और जो टैक्स पेबल आ रहा था, अगर उसकी आपने पेमेंट नहीं की है, तो इफ़ द एनी SSC फेल्स टू पे
The whole or any part of the such tax or interest or fees is shall be deemed to be assessee in default in respect of such tax or interest or fees remaining unpaid, and all the provisions of this tax apply to such person accordingly. So person को assessee in default treat किया जाएगा. सो इस जो प्रोविज़न हमने डिस्कस किया है, एक बार समराइज कर लेते हैं कि जो भी सेल्फ असेस जो लाइबिलिटी होगी वो इज इक्वल टू होगी टोटल टैक्स ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड अंडर द ITR माइनस एडवांस टैक्स पेड और द TDS और TCS डिडक्टेड. यानी कि आपकी जो लाइबिलिटी मान लीजिए 10,000 आ रही है और आपने एडवांस टैक्स 5,000 पे कर रखा है और आपका TDS कटा हुआ है 2,000, तो आपका जो भी बैलेंस बचता है 3,000 रुपये वो आपको सेल्फ असेस लाइबिलिटी की तरह पे करना होगा बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, और उसको उसके जो प्रूफ आपको रिटर्न के साथ अटैच करने होंगे. रिटर्न टू बी एकम्पनीड बाय द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 कैपिटल ए बी सी एंड द फी पेबल अंडर सेक्शन 234 एफ. यानी कि जो फीस लेट फीस जो अप्लीकेबल होगी, जो हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप उस पेमेंट के प्रूफ आपको उस रिटर्न के साथ अटैच करने होंगे. और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी के लिए आपको जो पेमेंट करेंगे वो सबसे पहले फीस के लिए यूटिलाइज होगी, फिर इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज होगी, और फिर लास्ट में कोई बैलेंस बचेगा तो आपको टैक्स के लिए यूटिलाइज हो जाएगी. सो इस वीडियो में हमने देखा कि जो इनकम टैक्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट प्रोविजन है अंडर सेक्शन 140 कैपिटल ए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडवांस टैक्स के प्रोविजन्स देखेंगे और TCS के प्रोविजन्स देखेंगे. Thanks for watching. We will meet in next video on advance tax and TCS provisions. Thanks for watching.